मांगूंगी कि ऐ अल्लाह पाक हमारी जो महंगाई का अजाब आया हमारे साथ, एक बात और भी शेयर करनी थी तो खाने वगैरह जाता हूँ। हालात मुल्क में हो रहे हैं कि लोग जो है ना इतनी महंगाई और हमें इतने इतने मोबाइल में पैसे डलवा दें और हम देख रहे हैं। चलो उतर पीजिएगा फिर अजान बेटा, फिर तेल गर्म करवा के लगवा लो अपने सर पे। उम्मीद करता हूँ आज आप खैरियत होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमने कहा कि रेसिपी को खत्म करते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे अपने घरों में। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, बीमारों को शफा दे और क्या कहते हैं जिंदगी में जो भी इंसान के मामूलात हैं अल्लाह पाक उनको आसानी वाला मामला अता फरमाए। और आज मैं एक अलहदा से ये दुआ मांगूंगी कि ऐ अल्लाह पाक हमारी जो महंगाई का अजाब आया हुआ है ना हमारे मुल्क में, वो बल्कि पूरी दुनिया में ही आया हुआ है, सुनने में तो यही आ रहा है कि अल्लाह पाक वो अजाब जो है ना वो ख़त्म कर दे। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, आमीन सुमामीन। तो बस नेक बातों के साथ, नेक दुआ के साथ जी करते हैं वीडियो का आगाज। तो जुयान अभी आए नहीं मदरसे से, जुयान को भी बेटा जाके ले आओ और ध्यान से ले आया करो, ठीक है ना? तो जी व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ एक बात और भी शेयर करनी थी। तो आज मैं इतनी सख्त परेशान हुए, हम लोग इतने ज़्यादा सख्त परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। तो अचानक से सुबह मैंने इन बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा है, जुयान मदरसे गया और अचानक से हमें कॉल आई है जी आपका जो बेटा है ना वो हमने इसको थाने में लिया हुआ है, दो लड़के और भी हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं ना आप हमें इतने इतने मोबाइल में पैसे डलवा दें और हम लोग इसको छोड़ देंगे, आपके बेटे की तो आपके बेटे का कसूर नहीं है। आप यकीन करेंगे, मैं इनके पापा मुझे सुना रहे हैं, मैं यहाँ नहीं थी घर पे, मैं गई थी कहीं, तो इनके पापा की कॉल है कि ऐसे ऐसे मामला हो गया और मैं जा रहा हूँ पुलिस थाने ना, मैं क्या पहले मैं इसके स्कूल जाके पता करता हूँ कि क्या मामला आता है, फिर नहीं तो फिर मैं दोबारा रब्ता उनसे करके थाने वगैरह जाता हूँ। तो बहरहाल जब ये स्कूल गए तो ये माशाल्लाह से वहाँ पे बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, प्रिंसिपल से बातचीत हुई, प्रिंसिपल ने बोला नहीं कोई भी ऐसी बात नहीं, और हमारे स्कूल में तो ये अलाउ भी नहीं होता, अभी छुट्टी टाइम तक बच्चे बाहर निकलते हैं और छुट्टी से पहले बच्चे बाहर नहीं निकलते। बहरहाल ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। तो इस तरह के हालात मुल्क में हो रहे हैं कि लोग जो है ना इतनी महंगाई हो रही है, लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं उससे छीन के खा लूँ, मैं इससे छीन के खा लूँ, तो अल्लाह माफ करे इस तरह पूरी पड़ेगी हमारी, इस तरह कहाँ पूरी पड़ेगी? तभी तो हमारे मुल्क में हमारे रिस्कों में बरकतें जो है ना चीज़ों में ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं और घर में बरकतें बिल्कुल भी नहीं होती। बस यही है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ करे और हमारी ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, अल्लाह पाक पत्नी क्या है क्या नहीं है वो बरकतें, मैं तो यही कहती हूँ कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो वो बात समझाता है, टोकता है, कहता है, तो वो भी नहीं होता तो कहते हैं ना घर में जब बड़ा ना हो तो घर में बरकतें सारी खत्म हो जाती हैं। परेशानी थी हमारे साथ बहुत बड़ी बन गई है, तो यही शुक्र है कि अब मेरा बेटा जना खैर वाफियत से छुट्टी टाइम आ गया था घर, तो मुख्तसर सी बात करूंगी। तो आज बस ये मामला तो है लोगों के, देखें दुनिया में क्या क्या काम हो रहे हैं, वो करें हम लोग ऐसी बात करें और फोनों पे पैसे जो है ना हम लोग भेज दें। उसने ये भी कहा था कि आप जो है ना 15-20 हज़ार हमारे जैज अकाउंट में डलवा दें, हम आपके बेटे को छोड़ देंगे, ये हमारा खर्चा पानी। तो अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, मैं इसलिए आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ कि आजकल ये कॉल्स भी आ रही हैं और आप लोग इन बातों पे तवज्जो ना करना, पहले आप जाके अपने बच्चे को देखें और बच्चों को भी ये चीज़ समझाएं कि अपने जो है ना किसी दोस्त के साथ कहीं आना जाना स्कूल टाइम में ना करें, और घर से स्कूल और स्कूल से सीधा घर। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और अभी फिलहाल मैंने खाना वाना भी अभी नहीं बनाया, तो मैंने सबसे पहले घर से जरा झाड़ू पोछा कर लूँ, सफाई कर लूँ, क्योंकि ये परेशानी की खबर इतनी हुई कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और ऊपर से मेरी बहन का भी फोन आ गया, भाई का भी कॉल आ गई कि आप उनके साथ हुआ क्या, तो गहरी बात है इस ऐसे वक्त में कि भाई बहन ही काम आते हैं ना, तो सब ने फ़ोन वगैरह किया, तो बस फिर इसी चक्कर में ना आज मेरा पूरा दिन गुजर गया। दे दी है, अब मैं लगा रही हूँ अजान को तेल, कह रहे हैं मुझे तेल लगा दो, मेरे सर में ना दर्द हो रहा है, पता नहीं मेरे बेटे ने भी टेंशन ले लिया। चला जल्दी है, जल्दी आ गए बैठा।
हाय मेरा जियान आ गया। अस्सलाम वालेकुम बोल दो। आवाज नहीं निकली क्या लिखा मैं मारा था हाय हाय मुर्गों की आवाज देखो आई जा रही देखा क्या करी है मुझे लड़ी ने ये जानते हो था जान को आप नहीं पता पापा नहीं पता है जानी नहीं पता है कि क्या होता है इतनी परेशानी हो गई थी हमें बहुत ज्यादा क्या हुआ पता नहीं किसी का फोन आ गया हमारे पास ना भी ऐसे ऐसे ना अजान को ना थाने पकड़ के लेके जा रहे पुलिस वालों के पास फिर पापा गए पता नहीं झूठ फोन था ना उन्होंने झूठ बोला ना हमसे पैसे लेने के लिए फिर क्या फिर जब हम स्कूल गए तो जान तो बैठा हुआ था झूठी खबर थी ये परेशानी आज हमारी सब बन गई मुर्गे वो देखा क्या करिए खेल रही ऐसे ही क्या खेल रही है मार दिया कुछ लोग बन के लुटिया जी मालो पा आपको पता है लुटिया जी मालो पा क्या होती है आप पता ही नहीं लुटिया जी मालो हमारे बचपन का गाना है तो अभी मुर्गे को थोड़ा सा खोलो इधर चुका चाकी करे और फिर हम उनको करें बंद जल्दी खोल दो फिर आप सर पे तेल लगा थोड़ा सा क्या बात है क्यों शोर मचा रहा है आज हैं क्या लगा दें हम मोबाइल से लड़ाई हो रही है भाई हम इसको मोबाइल से ना इसका जो मिठल सही और है ना वो निकाल के दें और ये देखेगा उससे बातें करेगा फिर उसे लड़ेगा ये कहता है मुझे मुझे ना और मिठल सही चाहिए अब दो दो मिठल सही हम कहाँ से लाएं भाई एक तो ये भी इतना वो है कि हम इतना कहाँ से लें 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 लड़ाई हो रही है किसी लड़ाई हो रही है किसी हो रही है लड़ाई मिठल की लड़ाई किसी हो रही है किसी लड़ाई कर लाचा चोना भाई आज बात याद नहीं है आज बस अपना अपना मतलब है इसको मिठल सही जो है ना चाहिए बस का करते हैं इख्तिताम इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे इसलिए कि बस आप लोग हमें दुआ में अब याद रखिएगा अल्लाह पाक सबकी परेशानियां वैसे दूर करे और आने वाली हर बला मुसीबत से महफूज रखे तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जो हमारे चैनल पे नए बहन भाई हमारे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें शेयर कर दें वीडियो फुल वॉच कीजिएगा स्किप नहीं कीजिएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जी तब तक के लिए इजाजत है अल्लाह हाफिज़।